दसवीं तक पढ़े की, फिर उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। गाड़ी पर चलता था, गाड़ी पे दो चार साल चला और फिर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद में मेरा एक हाथ कट गया था और पैर के लगी, 4 महीने हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद वापस सही हो गया। मैं डेलवाड़ा संस्था से अपने अहमदाबाद 3 महीने का कोर्स किया। वहाँ पे मुझे एक हाथ होने के बावजूद भी वो अवार्ड मिला। वहाँ से ग्लास पेंटिंग का काम सीखा। वहाँ पे पेंटिंग का काम सीखने के बाद में तो हाथ में एक हुनर आया काम करने के लिए, ये काम मैं कर सकता हूँ आसानी से, एक हाथ से कर सकता हूँ। आपको क्या क्या दिक्कत आती है उस दुर्घटना के बाद में? काम करने के लिए भी दिक्कत आती है मेरे को। कभी किराना की दुकान चलाता हूँ तो अपने दुकान खोलने के, कपड़े पहनने में, फिर नहाने में, खाना खाने में, ये सब दिक्कत आती है मेरे को। इन सारी दिक्कतों तो मुश्किलों के बाद में आप कैसे उभरे इन चीज़ों से? आप कैसे कर लेते हैं सारा काम? छोटे काम करता हूँ जी, हल्के काम करता हूँ, इतने बड़े काम तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप समाज के लिए, आपके समाज के लिए किस तरह उदाहरण हैं आप? मैं एक आध से काम करता हूँ, बुजुर्ग आदमी है जो वो है जो, और दूसरे जो काम नहीं करते जो वो बोलते कि ये एक आध से काम करता है, तुम क्यों नहीं करते हो? पुखराज हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जिनके हाथ पैर कट जाने के बाद वो जीना नहीं चाहते, लेकिन आप भी समाज पे बहुत की जगह एक प्रेरणा बन सकते हैं। मैं शंभूराज तंवर, डेलवाड़ा से, इंडिया अनहट के लिए।